सर, आज आप यहाँ पे फिफ्थ रेगा में आए हैं, इसके बारे में कुछ बताइए, कैसा एक्सपीरियंस था? विस्लिंग वुड्स आना बहुत स्पेशल होता है. पहली बात इसलिए क्योंकि ये सुभाष जी का इंस्टीट्यूट है एंड सुभाष जी ने जो इंस्टीट्यूट विस्लिंग वुड्स के पहले से शुरू किया हुआ है, अपनी फिल्मों के द्वारा जो वो लोगों को एंटरटेन और सिखाते आ रहे हैं, उनमें से एक शागिर्द मैं भी हूँ. और सो इनसे कनेक्ट करना, इनकी बातों को सुनना मुझे बड़ा अच्छा लगता है. सो दैट इज़ द फर्स्ट रीज़न दैट मेक्स मी हैप्पी टू बी हियर. दूसरी बात यह है कि जिस तरह की एनर्जी यहाँ पे होती है, हर दफ़ा मैं एक्चुअली बहुत मुतासर होता हूँ, बहुत सरप्राइज्ड भी होता हूँ हर दफ़ा जब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही फ्री फ्लोइंग एनर्जी है यहाँ पे. लोग जो लड़के हैं, जो बच्चे यहाँ काम कर पढ़ रहे होते हैं या जो टीचर्स हैं, दे आर ऑल वेरी पॉजिटिव, वेरी स्पिरिटेड, वेरी फ्री. सो इट मेक्स यू फील वेरी पॉजिटिव एंड फ्री योर सेल्फ व्हेन यू कम ओवर हियर. सो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ आके. तो सर, मजे हुए कलाकारों के साथ काम करते हैं सर आज, और अभी जो बच्चे हैं जो सीख रहे हैं, उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस भी दी अंदर, तो उसके बारे में कुछ. यार एक्चुअली मैं बहुत इम्प्रेस था, उनमें से ज़्यादातर जो एक्टर्स थे बहुत अच्छे थे. एंड कभी ऐसा होता है कि जो मजे हुए कलाकार होते हैं ना, उनका जो मजापन होता है वही चीज़ आपको बोरिंग भी लगने लगती है. तो किसी के अंदर एक प्रतिभा होती है, और अगर वो दिल से करे उस चीज़ को, तो वो नया है या पुराना उसका फ़र्क नहीं पड़ता. अच्छा एक्टर हमेशा अच्छा एक्टर ही होता है. आज मैंने कुछ अच्छे एक्टर्स को स्टेज पर देखा, इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, इतने प्रेपरेशन नहीं होने के बावजूद उन लोगों ने ऐसे अच्छा किया. मजे हुए कलाकार को शायद इससे प्रॉब्लम हो. सर, कॉलेजेस में आप जाते हैं, जैसे कि आज यहाँ पे आप आए हैं, तो आपको आपकी कुछ मेमोरीज कुछ याद आती हैं आपके कॉलेज में? हाँ यार, मुझे भी मेमोरीज काफ़ी सारी याद आती हैं. और फिल्म स्कूल तो मैं नहीं गया हूँ, बट जो रेगुलर कॉलेज या स्कूल में गया हूँ उसकी यादें आती हैं कभी कभी, जब मैं अपने आप को वहाँ ऑडियंस में बैठा पाता हूँ. और मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मुझे कभी कभी, जैसे आज भी जब मैं वहाँ बात कर रहा था, मुझे थोड़ा एक अचंभा होता है, सरप्राइज होती है कि मैं यहाँ कैसे आ गया, ये लोग आकर के मेरी बातें सुन रहे हैं. मतलब मुझे यकीन नहीं होता, मगर मुझे ऐसा लगता है ये कोई ड्रामा चल रहा है और मुझे इस ड्रामे में ये रोल निभाते हुए चले जाना है. मुझे यकीन नहीं होता है कि वो लोग ऐसे तालियां बजा रहे हैं या मेरे बारे में एक्चुअली अच्छी बातें कर रहे हैं. मुझे लगता है किसी और की बातें हो रही है, बट मेरा काम है कि यहाँ बैठना है और ये सवाल है उसका जवाब देना है. तो कभी कभी वो फीलिंग होती है. मुझे हमेशा लगता है कि मैं एक्चुअली वो एज एन ऑडियंस मेम्बर ही हूँ, और ये पता नहीं कोई एक प्रोजेक्शन है रियलिटी का. बड़ा नए तरीके से सब बच्चों को सीखने को मिलता है यहाँ पर, इस तरीके से जब कोई गेस्ट आते हैं सब, तो और ज़्यादा उनके अंदर एक कह सकते हैं मोटिवेशन आता है देख करके, इस तरह से परफॉर्मेंस करते हैं जब ऐसे बड़े लोगों के सामने. मैं ये समझता हूँ कि कोई भी इंस्टीट्यूट, दुनिया का कोई भी इंस्टीट्यूट, वो पत्थरों और ईंटों से या पैसे से नहीं बनता है. वहाँ कौन शिक्षा देने आते हैं, कौन शिक्षा देते हैं, और कौन बड़े बड़े मास्टर्स और लीजेंड्स अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज शेयर करते हैं, सारी उसी से संस्था बनती है. इफ विस्लिंग वुड्स बिकम्स ए रियली गुड इंस्टीट्यूट, इट्स बिकॉज ऑफ द पीपल लाइक हिम, पीपल लाइक मैनी अदर लीजेंड्स इन म्यूजिक, डांस, ड्रामा, सिनेमा. So I'm very happy on 5th Veda event. Lot of masters and legends do come and share like we did today. And the students were just went gaga meeting him and interacting with him, knowing all his talks from his heart. He spoke so well and he inspired so much students. जो कि शायद उनको ज़िंदगी में बहुत साल लगते सीखने के लिए, जितने साल इन्होंने गुजारे हैं वो इन्होंने एक घंटे के अंदर उनको सब कुछ बता दिया. And that was a big asset for the students. एंड आई सेड कि जो कोई भी इंस्टीट्यूट जो बड़ा बनता है वो बड़े लोगों के आने से बनता है, बड़े शिक्षकों से, मास्टर से बनता है. एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू इम्तियाज दैट ही हैज टेकन स्पेशल टाइम फॉर अस, फॉर द स्टूडेंट्स पर्टिकुलरली. एंड ही इज़ फॉन्ड ऑफ टीचिंग, ही इज़ फॉन्ड ऑफ लर्निंग ऑल्सो, ही इज़ फॉन्ड ऑफ टीचिंग ऑल्सो, एंड दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ लाइफ. इनका दिल से लगाव है विष्णु मिट्ट के साथ, हमारे साथ. तो हम अपना हक समझ के कभी भी इनको नींद से उठा लेते हैं, अच्छा डिनर बाद में करना आ जाएगा. थैंक यू सर. अभी बोनी कपूर जी सर जो है श्रीदेवी जी पे डॉक्यूमेंट्री सर बनाने वाले हैं,
तो सर ऐसे फिल्म मेकर सर इंडस्ट्री को तो कहना चाहेंगे इसका सर बननी चाहिए कोई भी जो कि इंस्टीट्यूशनल बॉडी वर्क होता है किसी भी एक्टर का डायरेक्टर्स का प्रोड्यूसर का तो बनना ही चाहिए ताकि अब आने वाली जो जनरेशन है उनको कुछ सीखने को मिलेगा एंड इट मस्ट बी ए वेरी एजुकेशनल फॉर द यंगर जनरेशन एंड वी आर हैप्पी अबाउट इट थैंक यू थैंक यू